गिरिडीह जिला मुख्यालय से 8 किलोमीटर दूर ब्रह्मडीहा कोल ब्लॉक में बहुत जल्द कोयले का उत्खनन शुरू होगा। आंध्र प्रदेश की एक कंपनी APMDC ने इस माइंस का लीज ले लिया है। पर्यावरण विभाग से CTO मिलते ही उत्पादन शुरू हो जाएगा। गिरिडीह DC राहुल कुमार सिन्हा ने बताया कि इस कोल ब्लॉक में उत्खनन शुरू होने से सैकड़ों स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। वर्तमान में उक्त खनन पट्टे एवं खनन स्थल पर भंडारित कोयले की सुरक्षा व्यवस्था व समुचित निगरानी रखने हेतु पुलिस अधीक्षक अमित रेणु को आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया गया है। DC ने बताया कि उत्खनित स्थल का तार से घेराव किया गया है तथा स्थल की सुरक्षा हेतु लगभग 30 सुरक्षा गार्ड तैनात किए गए हैं, जो दिन रात सुरक्षा में लगे रहते हैं। खनन कार्य दोबारा प्रारंभ किया जाएगा। 90 के दशक के अंतिम वर्षों में यहाँ पर एक प्राइवेट कंपनी कैस्ट्रॉन माइनिंग एजेंसीज को एक्सकेवेशन का लीज ग्रांट किया गया था और 2-3 वर्षों तक यहाँ पर खनन कार्य चला। खनन प्रक्रियाओं का उचित अनुपालन एजेंसी के द्वारा नहीं किया गया, अतः माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के आलोक में लीज कैंसिल किया गया था और उसके बाद से 15 वर्षों तक यहाँ पर कोई खनन कार्य नहीं हो रहा है। वर्तमान में आंध्र प्रदेश राज्य सरकार की स्थानीय एजेंसी है, उन्हें यह कोल ब्लॉक अलॉट किया गया है। एडमिनिस्ट्रेशन के साथ APMDC ट्रांसफर लीज को एग्जीक्यूट करेगी और उसके बाद विधिवत यहाँ पर माइनिंग ऑपरेशन शुरू कर दिए जाएंगे। इसका सीधा फायदा स्थानीय लोगों को होगा, इस मामले में काफी रोजगार में बढ़ोतरी होगी। कर्जा में डूबल है किसान, जानत रहे हर इंसान, बंद रहे हर जवान, चुप रहे हर इंसान, कृषि मंत्री राह दिखा ले।